भाई तो आज ना एक्साइटमेंट की लेवल टॉप है, क्यों हर्ष? भाई हम पकड़ने वाले हैं जापान की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, जो चलती है 320 किलोमीटर पर आवर और जो निकलेगी पानी में से भी, जिसे बोलते हैं हायाबुसा। ये तेरी स्पीड से भी तेज चलती है। साइड पे देख रहे हो वो पिंक और ग्रीन कलर की ट्रेन, भाई ट्रेन इतनी सुंदर है ना, और सीट से भी क्लास। तो मेन रीजन भी हमारा यही था JR में ऐसे ट्रैवल करने का कि हम हायाबुसा में ट्रैवल करेंगे। चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसी है ट्रेन, लेट्स गो। फ्रंट से दिखा ट्रेन की क्या शेप है यार, एरोडायनामिक। भाई तू ट्रेन की शेप देख रहे हो, मछली जैसी ट्रेन है, एक्चुअली सांप जैसी। तेरी जैकेट से मैच हो रही है। तेरे को पता है इसी शेप की वजह से ये ट्रेन इतनी फास्ट निकलती है, तू देख रही है बर्फ बर्फ सबको काटती भी निकल जाएगी। क्या व्यू है आगे यार, क्या सिनेरियो होगा ना जब निकलेगी अंदर आगे। चल हर्ष अब हमें बैठना चाहिए, अंदर का टूर देते हैं, निकलते हैं यहाँ से। चल प्रेरणा टाइम होने वाला है यार, एक मिनट वेट नहीं करते। एक मिनट वेट नहीं होता, छोड़ के चले जाएंगे। चल एक मिनट छोड़, एक सेकंड भी नहीं करते। भाई यहाँ देख रहे हो हर्ष की एंट्री होगी और यहाँ पे हमारा लगेज देखो कितना लगेज है। बाकी हमारा लगेज यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, बड़े बड़े जम्बो जॉइंट बैग्स। वाओ ट्रेन। बाहर क्या नजारे हैं, पर सबसे बढ़िया चीज है इसका वॉशरूम, कैसे रोटेट करके खुलता है, खुल जाओ सिमसिम की तरह। तू देख रहा है स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं यार, हवाओं से बातें कर रही है ये ट्रेन। तू भी कर ले यार, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको सबसे अल्टीमेट वॉशरूम। ऐसा वॉशरूम आपने ट्रेन में कभी नहीं देखा होगा, आओ लेके चलते। तश्तरी के अंदर गया है भाई, ये वॉशरूम है भाई, यहाँ बेड लगा के बंदा सो सकता है, पता है। एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ शीशे ही शीशे हैं। 1, 2, 3 हीटेड सीट है, जेट वेट सब कुछ लगे हुए, और देखिए छोटा सा वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। चल यार टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, अपनी सीट्स दिखाते हैं, अपना क्रीम कार केबिन दिखाते हैं। पहले से बंद तो कर दे। ये हमारी सीट, मैं बैठ के दिखाता हूँ कितना पुश बैक है सीट में और कितने फीचर्स हैं। हाँ दिखा दिखा भाई, गद्देदार सीट लग रही है एकदम। और यहाँ से अगर रात में पढ़ना हो ना तो ये देख, लाइट्स भी जल जाएंगी। नॉट इवन किडिंग हर्ष, ये ट्रेन एक्चुअल में हवा से बातें करती है, बताए। मुझे तो ऐसी फील आ रही है जैसे हम फ्लाइट की जो वो लग्जरी क्लास नहीं होती, बिजनेस से भी ऊपर वाली, उसमें बैठे हुए हैं। यार अंदर इंटीरियर भी कितना अच्छा है ना, बेज ब्राउन। 861 किलोमीटर है, अगर हम बाय रोड जाएंगे ना तो 13 घंटे लगेंगे। और ये ट्रेन पता है कितना टाइम लगेगी? 6 घंटे, सिर्फ 4 घंटे। हर्ष मैं इसकी एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाऊं? हाँ हाँ दिखा दे। सुबह मैं मेकअप करके नहीं आ पाई, हमेशा की तरह मैं लेट थी, तो अभी मैं यहाँ पे मेकअप करने वाली हूँ। मेकअप रूम है इनका? हाँ मेकअप रूम है, आजा दिखाऊं तेरे को। अरे 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 रिकॉर्ड तो करने दे, दिखता कैसे रूम? भाई क्या क्लासिक मिरर है यार, कितना रिकॉर्ड करेगा, निकल। तेरे को पता है सारी चीजें अपनी जगह सही है, बहुत सुंदर ट्रेन है, बहुत जल्दी हमें पहुंचा देगी, सब कुछ ठीक है, पर मैं ना चाट पकोड़े चाय ले लो वो सब बड़ा मिस कर रही हूँ। आता था अपनी ट्रेन्स की बात ही और है, आलू मेथी के पकोड़े ले एक लो। अलग ही ना कैरेक्टर है हमारी इंडियन ट्रेन्स। याद है बचपन में ट्रैवल करता था ट्रेन में, एक्साइटमेंट पता क्या होती थी, जो खाना आएगा ना रस्ते में अलग अलग स्टेशनों पे, अम्बाला पे आएगा, जलंधर पे आएगा, वो चीज नहीं है यार। बात तो सही है, चल कॉफी तो ऑर्डर कर दे एटलीस्ट। बंदी आई नहीं थी यहाँ, पता क्या वो कार्ट लेके सर्व करते हैं। अभी ये ट्रेन पानी में से भी निकलेगी ना? ये ऑलरेडी पानी में है शायद, वो सही में पानी में यार। अबे इन्होंने ना टनल बनाई हुई है पानी के अंदर से। तो भाई बैठती भूख लग गई है, तो असला निकाल लिया मैंने। ये ना हमने बोली थी रेडबेरी जैम यामागाटा से, और ये यहाँ की इनकी ब्रेड है, तो ब्रेड जैम खाएंगे। और कोई ऑप्शन छोड़ा है इन्होंने? आज प्रेरणा शेफ हमें ब्रेड जैम बना के खिलाएंगे। चलो ब्रेड बनाते हैं। ये देख रहे हो देसी जुगाड़, यही होता है भाई जब आपको टाइम पे समोसे और आलू के पकोड़े नहीं मिलते। लीजिए स्वामी पहले आप खाइए। तू देख रहा है 256 किलोमीटर पर आर। भाई सबसे सुपर बात है फ्री वाईफाई भी मिल रहा है, आराम से बैठो वाईफाई एंजॉय करो। भाई साहब तो इतनी मुद्दतों की वेट के बाद मुझे फाइनली टी कॉफी आती हुई नजर आ रही है। ये दीदी कितनी देर के बाद आई है यार। और हर्ष यहाँ पे चिल्लड़ काउंट करते हुए, जो कि चिल्लड़ है नहीं भाई, बहुत वैल्यू है इनकी पता है। तेरा कार्ट आ गया मेरे लिए, प्लीज कॉफी ऑर्डर कर दे। बट कॉफी भाई, चिप्स ले लिए, आलमंड चॉकलेट ले लिया, पानी भी ले लिया। तेरी आलमंड चॉकलेट अच्छी लग रही है, दियो जरा मुझे। यहाँ पे हर्ष मेरी चॉकलेट्स पे कब्जा कर चुका है, क्या कर रहा है? ऐसे लग रहा है क्या मतलब कोई ब्रीफकेस खजाना निकला हो। भाई स्नैक्स नहीं फ्रेंच फ्राइज निकले इसके अंदर से। कैसे वियर्ड वियर्ड स्नैक्स मिलते हैं, कौन कौन चाहते हैं हम ऐसे रेयर स्नैक्स अनबॉक्स करें। 3 hours later अरे बाबूजी कौन बैठे हुए हैं? अरे भाई बाबूजी बन के बैठना पड़ता है यहाँ पे, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, -7 degrees दिखा रहा है यहाँ का वेदर, फील्स लाइक -14। कैन यू बिलीव इट, हम
दिल्ली वालों को -14 भाई बनना पड़ता है बाबा। व्यू देख यार यहाँ से, मैं दिखाती हूँ तेरे को व्यू। इतना जबरदस्त व्यू है ना होकाइडो का, जिस होटल में हम रुके हैं प्रीमियम सुबह की, भाई यहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं और छत पे ऐसे पूरी स्नो पड़ी हुई है। काफी लेट हो गए हैं, चलो चलते हैं, निकले यार। चले यार, गर्मी में बुरा हाल हो रहा है मेरा अंदर। रूम में गर्मी लगी है, बाहर सर्दी लगती है, समझ ही नहीं आता है। ये तूने गले में चीज बड़ी अच्छी पहनी है यार, ये तेरे मास्क का भी काम कर रहा है। भाई -14 के हिसाब से तैयार होना पड़ता है, कैप पहननी पड़ती है, मफलर पहनना पड़ता है, दो दो स्वेटर पहनने पड़ते हैं, ऊपर कोट पहनना पड़ता है, पैंट्स पहननी पड़ती है, वार्म लेगिंग्स पहननी पड़ती है, सॉक्स पहनने पड़ते हैं। बस पूछो मत यार, इरिटेट हो जाते हैं। मुझे देख मैं कैसे बाबा बना हूं भाई साहब। बढ़िया भाई, तेरे को देख के डर जाएंगे लोग। अरे हम जा कहां रहे हैं ये तो बता दे। जहां ले गई रहा हमें, व्हाट अ बैड डायलॉग। रोड इतनी स्लिपरी है ना, बाहर चलेंगे कम गिरेंगे ज्यादा, देख लियो। तुझे कैसे पता? मुझे सब पता, देखती जा के। अंतर्यामी है भाई तू। ऑलरेडी हमें निकलते निकलते शाम हो चुकी है, 4 बज चुके हैं। ओ तेरी भाई, हालत ऐसा था कि हाँ ऊपर गर्मी लग रही थी, अभी बाहर निकलते ही ना मुंह पे हवा का ऐसे थप्पड़ पड़ा है, इतनी बुरी तरह थप्पड़ पड़ा है ना, अभी बहुत ज्यादा केयरफुली वॉक करना पड़ेगा, बर्फ ही बर्फ है आगे रोड पे। ये लड़की आज आपको जापान में टैक्सी रोक के दिखाएगी। सिर्फ ऐसे हाथ देना और टैक्सी रुक जाएगी। मुझे तो नहीं लग रहा रुकेगी भाई, टैक्सी आनी भी तो चाहिए। ऐसे लग रहा है मास्क अच्छा ही है, नाक से हवा तो नहीं एटलीस्ट अंदर जा रही, इतनी ठंड है यार। ये देख बर्फ, लेट जा इसमें। आये हाय कितनी गंदी बर्फ है। लो भाई बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली है, बहुत देर वेट करने के बाद, तब तक अंदर तक ठंड लग चुकी है, कसम से बता रही हूँ यार। तूने कपड़े ढंग से नहीं पहने हुए, मेरे को तो बिल्कुल ठंड नहीं लगी पता। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो टीवी टावर है पैनासोनिक का, कोई बहुत खास तो नहीं लग रहा आईफिल टावर जैसा, पर ठीक है चलो अब आए हैं तो दिखा देते हैं। अब यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं। मैंने ना यहाँ पे बहुत विंटेज स्टोर्स देखे हैं जहाँ पे बड़ी मस्त मस्त चीजें मिलती हैं। चलो कोशिश करते हैं कुछ मिल जाए हमें भी, चलते। अरे कहाँ रह गया इधर आ? ये देखो ये फिर रुक गई कहीं। क्या दिख गया तुझे? यार मुझे ये देखा कि मेरे को डोरेमोन के घर भी तो जाना था। डोरेमोन? अभी तक हम डोरेमोन के घर नहीं गए। आई एम सो सैड। मुझे ऐसा लग रहा है हमें अपने घर जाना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा है वैसे तो। यार बाहर लिखा था 70 रुपए की चीजें मिल रही है, तो महंगी है यार। अबे वो 70% डिस्काउंट लिखा है। तेरे को जापानीज पढ़नी आ गई? और क्या, सब पता मुझे। अब क्या मिल गया कुराफाती दिमाग? मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं। ये पोस्ट कार्ड होंगे डोरेमोन के? मैं ले रही हूँ ये। करेगी क्या? पता नहीं किसको पोस्ट भेजेगी। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भेजूंगी। अच्छा मुझे लगा मुझे भेजेगी। फाइनली एक ऐसी मार्केट में आ गए जहाँ पे सारा ना विंटेज स्टफ मिलता है, मतलब जो यूज होता है, सेकंड हैंड होता है, बट भाई क्वालिटी वाइज तो बहुत ही सही लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा। अभी लेना है नहीं लेना ये तो देखते हैं भाई। नए कपड़े भी तो यूज ही होते हैं ना, वो एक बार पहन के वॉश करके देते हैं आपको। चेक तो कर सकते हैं वैसे कि क्या क्या मिल रहा है। मुझे ना उसके स्कार्फ्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, 300-300 रुपए के मिल रहे हैं, मतलब इंडियन करेंसी में 150 रुपए के। चेक करने चाहिए हर्ष, क्या हुआ हर्ष, कुछ पसंद आ रहे? देख रहा हूं मैं, लेना मुझे कुछ नहीं। बैग में जगह भी होनी चाहिए ना सामान लेने के लिए। वही तभी तो ओवरलोडेड सामान है। मजाक नहीं, स्कार्फ अच्छा लग रहा है यार। ये वाले बड़े अच्छे लग रहे हैं और ये यूज नहीं है, ये 1500 रुपए का ओरिजिनल है पता है। यार कपड़े तो बहुत ही सही लग रहे हैं। अबे ये यूज यूज नहीं है, तू देख रहा कितने महंगे प्राइसेस है। तो अंदर तो ओरिजिनल है। 8,000-8,000 रुपए की जैकेट है यार। इनका ब्रांड है गू जापान, मुझे लगता है वो बहुत अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू दिस। ये तो मुझे काफी महंगे लग रहे हैं वैसे। वीगो, वीगो है ये, पर स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं। ये इस लड़की का ना दिमाग खराब हो गया, कह रही है ये क्यूट लग रहा है। प्रिने क्यूट कहां से है? ये मुंह खोल के खाने के लिए तैयार है तुझे। मुझे इसकी शक्ल में तेरी शक्ल नजर आ रही। प्रेरणा को दिख गई मलाइका अरोड़ा। भाई हम इंडियंस हर जगह हैं यार, मतलब यहाँ पे भी हमने अपनी पूरी प्रॉपर शॉप सॉस लगाई है। इसको ना इस कार्ड में भुट्टे दिख गए हैं। प्रेरणा सोच तेरे लेती, देखे भीड़ लग गई। भाई बंदे की बिक्री सही करा दी तूने है, मुझे भी खाना है, बहुत भूख लग रही है, जल्दी दे। बहुत मजा आ रहा है, गरम गरम है। ये सही है, भुट्टा मैंने लिया, खा कौन रहा है। देख रहे हो 600 येन का मिला है, इंडिया में कितने का हो गया? 400 रुपए का हो गया। भुट्टा देखते इससे रुका नहीं गया, घंटों वेट के बाद पिज्जा आ गया। खा यार खा प्रेरणा, मोनाको बिस्किट की तरह लग रहा है मुझे। यार तूने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए, बिल्कुल मोनाको बिस्किट लग रहा है एक्चुअल में। खा के बता, बिस्किट ही तो नहीं दे दिया भाई। ठंडा हो गया, वीडियो रिकॉर्ड करता रहेगा, तेरे को खाने में मजा नहीं आएगा। कल तो आए हम, रोड का हाल देखियो प्रेरणा, कांच बनी हुई है, इसमें कैसे चलेगी? इतनी ज्यादा मैं सतर्क होके चल रही हूँ ना, सावधान रहे, सतर्क रहे। और इतना ही गंदा पिज्जा था, जैसी गंदी रोड है। धीरे धीरे चल, ऐसे बेबी स्टेप लेके चलना पड़ रहा है। यार ये तो बड़े अच्छे से चल रहे हैं भाई, वो यहाँ के लिए ट्रेंड है, हम नहीं है। आजा 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 आजा। हर्ष तेरे को बोला था ना भैया ने स्पाइक्स ले लेना। यार सही में ले लेने चाहिए थे, अबे तो आगे तक ऐसे ही है, बैठे बैठाए मुसीबत ले ली हमने अपने सर पे। The next morning. ये एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पे ना मुंह से नाम निकालना भी गलत है। हम जाने वाले एक ऐसी जगह जहाँ पे भूतों का, पिशाचों का राज होता है। मैं मजाक नहीं कर रही, हम जाने वाले हेल वैली। यार जापान में अपनी अपनी खुद की हेल वैली भी बना रखी है, हेवन जैसी कंट्री और उसके अंदर हेल वैली।
फैली। यार हर्ष तुझे सोच के नहीं लग रहा, हमें जाना चाहिए ऐसी जगह पे। बिल्कुल जाना चाहिए, हमें देख के आनी चाहिए कैसी है, कैसी दिखती है। चल तू तैयार तो हो जा पहले, वैसे मेरा मफलर तेरे पे अच्छा लग रहा है। मेरा ही मफलर है ये झूठ, सब तेरा भाई, हम भी तुम्हारे ही है, हम तुम्हारे है तुम्हारे सनम। तो फाइनली बोर्ड कर लिया हमने सापरो स्टेशन से नोब्रेबिस्तु की ट्रेन, तो यहाँ बस लेने की तैयारी में है। पर हर्ष मुझे तो लग रहा है बस अभी बस खत्म होने वाली है, एक और बस आ गई, एक और बस आ गई। यार इतनी बड़ी अट्रैक्शन है ना, इतने बंदे आए हुए हैं यहाँ पे। यार कितनी ठंड हो रही है प्रेरणा यार। यार मैंने अभी चेक किया -5, फील्स लाइक -12, एक्चुअल में फील्स लाइक -12 है। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। वैसे बहुत ही सुंदर टाउन है, वो देखा था तूने जब हम बस से आ रहे थे, एक वेलकम का इतना बड़ा दानव बना हुआ था भाई। ये टाउन प्रॉपर ना हेल टाउन है, मतलब यहाँ डीमंस वगैरह। और हम ना यहाँ पे एक विलेज जा सकते हैं जो 400 साल पुराना है, जापान का एडो एरा दिखाता है। वहाँ पे निंजास मिलते हैं और मुझे किमोनो भी पहनना पड़ सकता है। नोब्रेबिस्तु आते ही ना सबसे पहले मुझे तो भूख लग गई है, मैंने कहा बियर पार्क जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे फ्राइज मिल रहे थे, चीज हैमबर्गर मिल रहा था, होममेड बर्गर्स बना रहे हैं। वैसे ये 2600 yen का बिल है हमारा, 2600 yen का बिल है। देखो क्या क्या आता है, खाने लायक होगा भी या नहीं। सालों मुद्दतों के बाद हमारा बर्गर फ्राइज आ चुके हैं, 1 घंटा वेट करने के बाद खाना मिला है। चल यार अप्रिशिएट करो, खाना मिला तो। ये बात भी सही है। भाग भाग के टिकट्स ले लिए बियर पार्क की, चलो चले जल्दी से। बियर्स को देखने का एक्साइटमेंट लेवल मैक्स है। मैं खुद पोलर बियर हूँ, आज मैं बियर देखने जा रही हूँ। वैसे पोलर बियर तो यहाँ नहीं मिलने वाले, बट जो भी मिलेंगे अच्छे ही होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और मुझे हेल वैली भी देखनी है, तो आई जस्ट होप कि जल्दी से पहुंचाए, हम जल्दी से बियर से मीट एंड ग्रीट करें और फिर हेल वैली देखें। फिर ना देख मोटे मोटे बियर भाई, आराम से देख कैसे बैठ के खा रहे हैं, देख लोग डाल रहे हैं ऊपर से खाना। भाई आराम से बैठ गया बैक लगा के अपनी बर्फ में, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? देखो यार तो अल्टीमेट चीज है यार, ये भी अद्भुत ही क्रिएचर्स है यार। कैसे बैठा हुआ है आराम से ऐसे बर्फ के अंदर सर लगा के और हाथ ऊपर कर रहा है, मुझे और दो खाना दो। देखो करा फिर से उसने, यही देखना था ना तेरे को। यार इनको तो ठंड भी नहीं लगती यार, ये बढ़िया बंदे यार। तेरे को तो बहुत ठंड लग रही है भाई। सही में यार। फाइनली हम हेल वैली पहुंच चुके हैं, हेल के अंदर एंटर कर चुके हैं। और मुझे पता कैसे पता लगा है? हर तरफ धुएं ही धुएं है यार, पीछे देख। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, शायद हमें हेल वैली दिख जाए। तो देख रही है मुसीबत कितनी हो रही है हेल वैली में, कौए कैसे कां कर रहे हैं, पिशाचनों का आवाहन हो रहा है। कौए नहीं है, चील है, चील। हाँ चील है भाई, चील है। सही से चल ले गिर जाएगा, मुंह टूट जाएगा तेरा। तो गाइस फाइनली स्वागत है आपका हेल वैली में। ओ माय गॉड कितनी ब्यूटीफुल है यार, कितनी ब्यूटीफुल। ओ भाई ये वीडियो फोटो से ज्यादा ब्यूटीफुल है यार। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? ये मेरा मन कर रहा है मंजा लगा के यही बैठ जाओ और सो जाओ थोड़ी देर। भाई इतनी ठंड है ना, देखिए तो तूने ज्यादा बोल दिया यार। पर कितना ब्यूटीफुल है ये हेल, कैसे हो सकता है यार? प्रेरणा जो धुएं उठ रहे ना, ये ऑनसन के धुएं हैं, ऐसा कुछ हेल वाला नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली, पर फीलिंग तो ये हेल वाली देती होगी ना, तभी इसका नाम ऐसा रखा। यार वो ऐसी बोल दिया इन्होंने, मेरे को तो हेवन लग रहा है ये। पर यार सोचने की बात है, मतलब इतनी ज्यादा ठंडी जगह पे ऐसे ऑनसन निकल रहे हैं, क्या इफेक्ट, क्या फील है ना। और आगे ना लाइट्स लगी हुई है, पर मैं वहां तक जाना नहीं चाहती, पूरा स्लिपरी होगा, कोई फायदा नहीं है इतना रिस्क लेने का। आई थिंक रात के टाइम और भी ज्यादा सुंदर लग रही है वैली। चलो भाई चलते हैं वापस, ट्रेन पकड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,